क्वेश्चन नंबर 94 है आपके सामने, इसमें क्या किया दिया है, जोन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% एट द एंड ऑफ 4 ईयर द अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट अर्न्ड वाज 770 द अमाउंट इन्वेस्टेड वाज। देखिए एक जॉन वाई थे अपने, उनने क्या किया कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए 10% की रेट पे, ठीक है, और 4 साल के बाद उसको टोटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के कितने मिले, 770 रुपये, 770 रुपये मिले, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना कि उसको 10% का रेट मिल रहा था इंटरेस्ट का, और 4 साल तक इन्वेस्ट किया उसने तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 40%, ठीक है, प्लस जो प्रिंसिपल रहता है वो अपने आप में कितना रहता है, 100%, मतलब ये टोटल मिलाकर कितने 140% की वैल्यू दी है अपन को, कितनी, 770 रुपये। ये बात सबको समझ में आई, एक बार और ध्यान से सुनना। देखिए जो उसको रेट क्या मिल रहा था, उसको रेट मिल रहा था 10% का, 10% का रेट मिल रहा था 1 साल में, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 साल में हो जाएगा 40%, 4 साल में 40% का, तो उसको इंटरेस्ट मिल चुका, ओनली सिर्फ इंटरेस्ट मिल चुका, उसके अलावा 100% प्रिंसिपल रहता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% रहता है, ठीक है, तो टोटल मिला के उसको कितना मिला, 140%, 140% की वैल्यू दी है अपन को, कितनी, 770 रुपये, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, उसके बाद 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, ठीक है, 2% की वैल्यू आ गई कितनी, 11 रुपये, अगर 2% की वैल्यू 11 रुपये आ गई तो 20% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 110 रुपये, 20% की वैल्यू अगर 110 रुपये आ रही है तो 20 पंजे होते हैं 100, ठीक है, और 11 पंजे होते हैं 55, मतलब 5 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये क्या आ गया, 100% की वैल्यू, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 550 रुपीज़, यही अपन से पूछा था कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो उसने 550 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है।